मेरा नाम नेहा मेहता है। मैं ब्रांड एम्बेसडर एंड डायरेक्टर ऑफ अमेजिंग मीडिया की ब्रांड एम्बेसडर एंड डायरेक्टर हूँ। और आज हम सभी के लिए एक नया शो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है अमेजिंग मिसेस मिस एंड कर्वेसियस मॉडल। वैसे हमारी कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है जैसे कि वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, एल्बम सॉन्ग्स, ब्रांड शूट्स, प्रिंट शूट्स। और आज हम अपने दोस्तों के लिए एक नया ही कुछ करना चाहते हैं। वो जो शो है हमारा अमेजिंग मिसेस मिस एंड कर्वेसियस मॉडल्स, जिसमें हम ऑल पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। जैसे कि ऑल पार्टिसिपेंट्स को हम बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं। उसके साथ में हम उनको सब टाइटल्ड क्राउन एंड सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। उसके साथ और हमने हमारा शो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मे को विरार बीच ऑफ रिसोर्ट में रखा है, जिसमें हमने बहुत सारी फैसिलिटीज रखी है, जिसमें हम 3 डेज का स्टे, फूड एंड ऑल दे रहे हैं। और विनर के लिए हमने स्पेशल प्राइज रखा है, जैसे कि विनर हमारे नेक्स्ट अपकमिंग शो में एज अ जूरी आएंगे और हमारे अपकमिंग मैगजीन में फीचर्ड में रहेंगे। और वो स्टोरी के साथ में उनका फोटो रहेगा। और साथ में हमारे जो मैनी मोर प्रोजेक्ट्स है जैसे कि वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, एल्बम सॉन्ग्स, उसमें हम एक्टिंग का भी उन्हें चांस दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कब होने वाला है, ये आपने डेट नहीं डिक्लेयर किया है, डेट बताना चाहेंगे? हाँ, वो फर्स्ट वीक ऑफ मे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को हो रहा है। और विरार में पीस ऑफ नेचर करके रिसोर्ट है, वहाँ पे हो रहा है। अच्छा, रिसोर्ट को ही क्यों चुना है आपने? क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं वो होटल्स में होते हैं, आपने रिसोर्ट को क्यों चुना? रिसोर्ट का इसीलिए चुना कि अभी मई महीने में कैसे कि वैकेशंस भी रहते हैं और उनको वैकेशन की छुट्टी भी रहती है, तो कुछ अलग करने का मौका। और हम इस शो के ज़रिए बहुत कुछ अलग करना चाहते हैं और सबको इससे खुशी होगी, इसीलिए सबके लिए ये शो हम इस तरीके से लेके आए कि हम 2 दिन का एक सेशन रखेंगे। एक दिन ग्रूमिंग, 2 दिन होगा, और एक दिन में हम फ़ोटोशूट रखेंगे, दूसरे दिन हम टैलेंट राउंड भी रखेंगे और तीसरे दिन हम उसका ग्रैंड फिनाले रखने वाले हैं। तो ये सब हम सबके लिए लेके आ रहे हैं और सबको बहुत खुशी होगी इस शो में। कंटेस्टेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कंटेस्टेंट्स एनरोल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है? कंटेस्टेंट उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो उनको एक ग्रूमिंग सेशन रहेगा 2 दिन का। 2 दिन के ग्रूमिंग सेशन में उनको वॉक कैसे करना है, उनको टॉकिंग कैसे करना है, हाँ, अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे आगे फ्यूचर में आगे बढ़ना है, इसके लिए मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीकर भी उनके लिए है, कुछ एग्जीक्यूटिव कोच भी उनके लिए रखने वाले हम इस शो में, और उसके ज़रिए अच्छे ग्रूमर के साथ साथ उनको एक आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। साथ साथ में हम उनके लिए कॉस्ट्यूम भी रख रहे हैं, हाँ, दो तीन राउंड रहेंगे तो ब्रांड के कुछ कॉस्ट्यूम भी उनके लिए आ रहे हैं। मेकअप एंड हेयर उनके लिए हमारी तरफ से ही रहेगा, स्पेशल गिफ्ट विनर के लिए भी हमारे तरफ से है, हाँ। और उसके अलावा हमारे जो प्रोजेक्ट है, जैसे नेहा ने भी कहा कि कुछ प्रोजेक्ट हमारे जो आ रहे हैं उसमें हम उनको एक्टिंग करने का मौका भी मिलेगा हमारे ज़रिए, और हमारे प्रिंट शूट वगैरह चलते रहते हैं ना, उसमें भी हम आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हमारा जो नेक्स्ट सीज़न 2 का जो मैगज़ीन आएगा उसमें हम उनको पेज भी देंगे विनर के लिए। और फिर हमारा नेक्स्ट शो जो आएगा उसमें विनर जो बनेंगे उनको हम हमारे तरफ से, यानी सबकी तरफ से ही होगा वो, कि वो जूरी बनकर सबके सामने भी आएंगे जो विनर रहेंगे वो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का बताया है आपने, जिक्र किया, तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से कंटेस्टेंट्स कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं और उसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आपको मिल जाएंगे।
उसके लिए हमारा फ्लायर आज लॉन्च हो रहा है और वो हम सोशल मीडिया पे भी आज पोस्ट कर देंगे, तो उसमें हमारा नंबर और डिटेल्स के साथ में मेंशन किया हुआ है। तो आप कुछ भी क्वेरी रहे तो हमारा कॉन्टेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। और ये शो के लिए हमने 3 कैटेगरीज रखी है, मिसिस, मिस एंड कवे सीएस। तो हमने खाली टीनेजर या यंगस्टर या खाली मिसिस का ये नहीं शो है, बट कवे सीएस मॉडल्स को भी चांस मिले अपना हुनर दिखाने के लिए, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी इसमें इंक्लूड किए जो है कवे सीएस मॉडल। अच्छा, इसके अलावा एज बार क्या रखा गया है कुछ? इसमें हमने ओपन कैटेगरी से रखी है कि एज बार नहीं रखा है, क्योंकि ओपन कैटेगरी रखते हैं ना तो सबको आने का मौका भी मिलता है और सबको एक उनके अंदर जो कला है वो दिखाने का मौका भी मिलता है ना, तो इसीलिए हमने ओपन कैटेगरी रखी है। जो ब्यूटी पेजेंट होने वाला है इसका नाम क्या रखा है आपने? नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। हाँ बोलिए। इस शो का नाम है अमेजिंग मिस मिसेस एंड कर्वेशियस मॉडल्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा अवार्ड शोज भी है क्या इसके साथ? यस, इसके साथ में एक हम अवार्ड शो भी साथ में कर रहे हैं जिसका नाम अमेजिंग इंडियन स्टार अवार्ड्स नाम है, जिसमें ऑल कैटेगरीज पार्ट ले सकती है। तो हम कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए हमने खाली ब्यूटी पेजेंट नहीं रखा है बट उसके साथ में अवार्ड शो भी रखा है। और हमारी कंपनी का नाम ही है अमेजिंग मीडिया, उसके नाम से ही हम शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसलिए हम आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहते हैं। और ये आपका ही शो है, हमारा नहीं है, तो वो समझ के ही आप हमें बहुत सारा प्यार और सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा ज़्यादा ज़्यादा ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? ऑडियंस से यही अपील करना चाहेंगे कि ये शो आपका है, आपकी वजह से हमें ये शो करने का मौका मिल रहा है और आप इसमें अच्छे से पार्टिसिपेशन करेंगे ये हमें अंदर से फील हो रहा है। तो आप कुछ भी मत सोचिए, आपके लिए बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और सोचना मत, आप पार्टिसिपेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। हाँ, हमारी खुद की कंपनी है अमेजिंग मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सो हमारे शूट्स एंड प्रोजेक्ट्स, मैनी मोर प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं। तो हम जो भी कंटेस्टेंट हमारे में विनर होगा तो हमें हमने जो मेंशन किया वो डेफिनेटली हम उनको देंगे। और हमारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं तो वो फीचर्ड स्टार भी बन सकते हैं, क्योंकि उसमें उनका चांसेस है अगर वो विनर हुए तो। बस उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। और हमारा ये फर्स्ट सीजन वन होने को चाह रहा है, इसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट दीजिए हमें। इसके अलावा स्पॉन्सर्स के लिए क्या कोई स्कीम्स वगैरह या कोई बेनिफिट रखा है आपने? स्पॉन्सर्स किस तरह से जुड़ सकते हैं? स्पॉन्सर्स जुड़ सकते हैं, स्पॉन्सर्स के लिए भी हम उनकी अच्छे से पब्लिसिटी, सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी पब्लिसिटी होगी, फिर हमारे फ्लायर है और जो हमारे ग्रैंड फिनाले के दौरान जो भी LED स्क्रीन वगैरह है उसके ऊपर उनके डिटेल्स आएंगे। और उनको हमारी तरफ से भी जो बेनिफिट पब्लिसिटी का देने को होता है वो उतना हम देंगे ही देंगे। बहुत बहुत